तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी हमारी वीडियो, और ये वीडियो है Q&A को लेकर के। जी हाँ, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि मैं करने वाला हूँ एक Q&A वीडियो, और मैंने आपसे मांगे थे आपके क्वेश्चंस कमेंट में अभी से लगभग 2 या 3 वीडियो के पहले। तो आपने किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और मैं आपका देने वाला हूँ जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है ऋषि कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ सोल टेक के बहुत ही फ्रेश और नए वीडियो में। तो आज का हमारा पहला सवाल आता है लालजी प्रसाद की तरफ से। इन्होंने रैपिड फायर राउंड खेला हमारे साथ, तो चलिए जवाब देते हैं इनके सवालों का। और इनका पहला सवाल है योर फेवरेट गेम। तो आपका पहला फेवरेट गेम क्या है, मतलब पहला सवाल है इनका फेवरेट गेम क्या है। तो भाई मेरा फेवरेट गेम है एपिक गेम्स, जो मैं खेलता हूँ, और अभी रिसेंट में मैं खेल रहा हूँ RPG गेम जो है PUBG। तो दूसरा सवाल इनका है आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जाने, हू इज माई बेस्ट फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है आपकी GF है, तो भाई मेरी GF नहीं है, सॉरी मेरी GF नहीं है। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है अलीशा सेन की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कितना कमा लेते हैं सर आप। तो अभी तो मेरी कोई इनकम नहीं है, अभी मैं घर में हूँ और जाहिर सी बात है क्वारंटाइन डेज में इनकम तो नहीं कर पाएंगे। तो अगला सवाल आता है हमारे पास आयुषी राज की तरफ से, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कोरोना वायरस फोन में घुस गया तो क्या होगा। जी प्लीज रिप्लाई, एक अच्छे से एंटीवायरस का नाम बता दो प्लीज, जिससे फोन में कोरोना वायरस नहीं लगे। तो मैडम आपने ये मजाक में सवाल किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सीरियस इशू है जो हमारे देश को बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकता था और कर भी रहा है। और जाहिर सी बात है आपको इटली के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके लिए अच्छी खबर है कि फोन में कोरोना वायरस नहीं लग सकता। तो आपको जो फोन में एंटीवायरस नॉर्मल आता है वो आप यही यूज कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है आदर्श गुप्ता की तरफ से, इन्होंने पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LPDDR4 एंड LPDDR5 रैम। तो मिस्टर आदर्श गुप्ता, इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि LPDDR4 एक प्रेडिसर है और जो LPDDR5 है वो सक्सेसर है, जो कि फास्ट कम करता है LPDDR4 रैम से 1.5x पे। यानी कि अगर आप इसे यूज करते हैं, सॉरी फॉर द नॉइज, आपको जो बाहर से नॉइज आ रही होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। LPDDR4 रैम जो है वो LPDDR5 रैम से 1.5x स्लोअर है, विच मीन्स कि LPDDR5 रैम वो 1.5x ज़्यादा फास्टर काम करता है, मतलब कि, और ये बहुत ही छोटा चिपसेट है, बहुत ही कम पावर लेता है और आपके डेटा ट्रांसफर में भी ये हेल्प करता है। और LPDDR5 रैम से आप लगभग 6500 गुना, मतलब 6500 MB डेटा ज़्यादा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आता है हमारे पास हर्षित कुमार की तरफ से। हर्षित कुमार की तरफ से सवाल है कि सर मेरे को न्यू एंड्रॉयड TV लेना है, मेरा बजट 40K है, प्लीज रेकमेंड। तो भाई मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको अगर जो लेना है 40K के अंडर, तो मैं आपको बता दूं एक VU का TV है और MI का, जाहिर सी बात है MI एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप MI का भी ले सकते हैं, नो डाउट 40K बजट है तो आपका 40K में बहुत ही अच्छा अच्छा TV आ जाएगा, जैसे कि MI 4, जाहिर सी बात है वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़े से कम में चाहिए तो मैं आपको बता दूं 30K है आपका बजट, 32,000 का पड़ेगा आपको। इट्स अ 4K TV और उसमें डॉल्बी एटमॉस भी है, कि डॉल्बी साउंड है और बहुत ही अच्छा है, और उसमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है, वो आता है आपका VU की तरफ से, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए वो TV, और वो भी 3 वेरियंट में आता है। और वो आएगा जो 32,000 का है वो आएगा 55 इंचेस का, और जो 40 इंचेस का है, 40-43 इंचेस है लगभग, तो उसकी प्राइस रेंज है लगभग 28,000। और जो 35 इंच का है वो आपको पड़ेगा लगभग 25,000 का। तो बहुत ही अच्छा TV आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा Q&A यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी मायने या फिर किसी भी तरीके से पसंद आया हो तो जल्दी से करें हमारे वीडियो को लाइक, और जो सब्सक्राइब है उसे भी कर दें, और उसके बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले।